हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, अच्छा ये बताइए कि हम लोग आज पढ़ने क्या वाले हैं। पीछे की अगर बात करें तो जरा एक बार चेक करिए, पीछे शायद हम लोग गाटरमैन कोच रिएक्शन लास्ट टाइम पढ़ रहे थे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। ठीक है, कोल्बे स्मिथ को पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये है क्या। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो हम लोग लिखेंगे ये है कोल्बे स्मिथ। हम इसकी बात करते हैं, ये एक नेमिंग रिएक्शन है और इम्पोर्टेंट भी है। अगर हम बताएंगे तो फिनोल वाले चैप्टर में आपको मिलेगा, ठीक है। और वहां पर आप देखेंगे कि अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोल्बे स्मिथ रिएक्शन जो है इसका रिएजेंट क्या है। तो हम लोग बात करेंगे इसके रिएजेंट के बारे में। तो अगर तीर के ऊपर आपको दिखता है फर्स्टली NaOH, फिर आपको दिखता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और थर्ड में दिखता है H+ यानी कोई एसिडिक मीडियम दिखता है। तो ये तीनों अगर दिखे आपको और सामने जो है वो आपको फिनॉल दिखे, जब फिनॉल दिखे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये कोल्बे स्मिथ रिएक्शन है। बात समझा रही है, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन है, आप इसको तुरंत समझ जाएंगे। अब आगे की कहानी समझिएगा, हमने क्या बोला कि कोल्बे स्मिथ रिएक्शन आपको कब समझ में आएगी। आपने देखा कि फिनॉल दिया है तीर के ऊपर NaOH, CO2 और ये H+ है, ये रिएजेंट तीनों आपको एक साथ दिखने चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, तीनों एक साथ दिखने चाहिए, तीनों एक साथ दिखने चाहिए। अगर ये तीनों आपको एक साथ दिख रहे हैं, मतलब इस रिएक्शन का नाम है कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पर देखिए बनता क्या है। पहले हम प्रोडक्ट एक बार बना लेते हैं, फिर मैकेनिज्म चेक करते हैं। जैसे आपने देखा ये आपके पास फिनोल है, अगर हम इसका रिएक्शन करा देते हैं इस रिएजेंट के साथ तो बनेगा सैलिसिलिक एसिड। क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड बनेगा, मतलब ये प्रोडक्ट आपको बनने वाला है। ठीक है, इसको बोला जाता है सैलिसिलिक एसिड, ये आपका प्रोडक्ट बन गया, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब इसकी मैकेनिज्म जरा हम समझा देते हैं। पहली बात है कि अगर आपको फिनोल दिखे, ये तीनों आपको एक साथ दिखे, तो ये फिनोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये आपका प्रोडक्ट है, लेकिन अब ये बनता कैसे है, अब इस चीज को हम लोग चेक करते हैं। देखिए, आप बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज नहीं हुईगा किसी भी चीज को लेके, है ना। मतलब ये हम आपको बता रहे हैं कि अगर कोल्बे स्मिथ की बात करें, ये तीनों आपको एक साथ दिखे, मतलब कोल्बे स्मिथ रिएक्शन है। चलिए इसकी मैकेनिज्म को एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपको सामने दिख रहा है ये फिनोल, ठीक है, और फिनोल और ये इसको ना हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये इस तरीके से, ये आपको फिनोल दिखा। और सामने सबसे पहले आप NaOH की बात करिए, तो सबसे पहली चीज होती है कि यहां पर एसिड बेस रिएक्शन होता है, ये प्लस वाला हिस्सा माइनस वाला हिस्सा है। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो है ये इस वाले हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये माइनस और ये प्लस, ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो यहां से आपको H2O मिलेगा, मतलब वाटर तो रिलीज हो गया। अब प्रोडक्ट में क्या बचा है, प्रोडक्ट में आपका बचा हुआ है O के सिर, सॉरी मतलब अभी आपको ये बचा हुआ है O के सिर पे माइनस और ये चीज। ठीक है, तो ये हमारी होती है फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप तो आप सभी लोगों को समझ में आ गई कि इस यहां पर हुआ क्या है। यहां पर ये इसको OH- ये हाइड्रोक्सी आयन, ये हाइड्रोक्साइड आयन, ये आपको मतलब H+ को इलेक्ट्रॉन अपना प्रोवाइड करेगा, यहां से वाटर रिलीज होके आपका ये आयन बन गया। ठीक है, अब आप इसके बारे में एक बार सोचिए कि ये है क्या, फिर हम नीचे आते हैं। ये देने वाला ग्रुप बना है, अगर देने वाला ग्रुप है तो आप सभी को पता है कि अगर ये देने वाला है तो इसके कारण ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। मतलब अब आगे की कहानी समझिए, सेकेंड स्टेप में होता क्या है कि ये जो है O-
अब इसके चलते जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा पीछे की तरफ, तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड की ब्रेकिंग इस साइड होगी। जब बॉन्ड की ब्रेकिंग इस साइड होगी, जरा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में जो CO2 होता है, अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से होता है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कराएगा। जब शिफ्ट कराएगा तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेने वाले के सिर पे माइनस और देने वाले के सिर पे प्लस। मतलब किसी भी चीज को लेके कंफ्यूज अभी नहीं होना है, ठीक है? ये हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जो आप CO2 देख रहे हैं ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए, जब अब ये तो हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ माइनस और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। और जब माइनस प्लस आएगा, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है? यहाँ पर आया जो है, अब उसको जरा देखिए एक बार, यहाँ पर क्या गया? माइनस। अगर ये माइनस आया है तो ये इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है? अब आगे की कहानी समझिए। आगे यहाँ पर ये है कि देखिए, इसको हम एक बार हटा ले रहे हैं, ठीक है? यहां पर आ गया माइनस, यहां पर आ गया प्लस। तो माइनस और प्लस मिलके क्या बना देंगे? बॉन्ड बनाएंगे। अब जब ये बॉन्ड बनेगा तो ये डबल बॉन्ड ओ बन गया, इस तरीके से ये बन गया, ठीक है? अब आगे यहां पर सोचिए, ये आपको कुछ ऐसा दिखा, ऐसा दिखा। अब ये बताइए, यहां पर स्टेबिलिटी के साथ कान हो गया है, क्योंकि ये जो रिंग होती है ये ज्यादा स्टेबल होती है, ये अनस्टेबल हुई। अनस्टेबल होने के कारण देखिए होता क्या है, यहां पर है, यहां पर क्या आपको एक हाइड्रोजन दिखेगा? क्यों? क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? चार बॉन्ड, एक दो तीन, तीन बॉन्ड तो बन चुके हैं, हाइड्रोजन एक हाइड था। अब होगा क्या, रिंग ये कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट मतलब ये बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए ये वाला कार्बन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कराएगा। जैसे ही इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करा लेगा। अब ध्यान से बात को समझिएगा, अभी इसमें लेके कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? हमें स्टेबल कंपाउंड बनाना होता है तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि अरे और क्या पॉसिबिलिटी है, क्या कर सकते हैं। देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हुआ है तो ये H+ ऐसे रिलीज हो जाएगा, ये वाला प्लस के रूप में, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो देने वाले के सिर पे प्लस आ गया, ठीक है? यहां पर क्या आ गया है? माइनस। तो इस जगह पे तो आ गया माइनस, जैसे ये O और ये O- ये है, लेकिन यहां पर आ गया माइनस। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो तुरंत उसी टाइम अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ है तो यहां पर आ गया प्लस, क्योंकि देने वाले के सिर पे प्लस और लेने वाले के सिर पे माइनस, ये हो गया। अब ये आपका बन गया ऐसे, लेकिन आप देखिए ये प्लस और माइनस मिलके तुरंत क्या क्रिएट कर देंगे? डबल बॉन्ड। लेकिन एक चीज और यहां पर था, ये जब हाइड्रोजन की बात हो रही है, जैसे ये निकलेगा ये ऑक्सीजन तुरंत इसको लपक लेगा। लपकने का मतलब है कि तुरंत ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा। इलेक्ट्रॉन जब प्रोवाइड कर देगा तो उसी टाइम ये बॉन्ड बन जाएगा, मतलब OH ग्रुप बन जाएगा। इतना बन गया। अब देखिए, आपको पता है कि ये प्लस और ये माइनस, तो यहां पर क्या बनेगा? बॉन्ड। तो जब बॉन्ड क्रिएट होगा तो अब किस तरीके से क्रिएट होगा, अब उसको जरा एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये आपका रिंग बन गया। थोड़ा सा एक मिनट आप देख के बताइए कि ये पूरी स्क्रीन आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है, चलिए इसका मतलब आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, कैमरा ऊपर है। आगे देखिए, यहां पर क्या है कि अगर हम लोग बात करें तो ये तो O माइनस अभी तक ठीक है, माइनस प्लस मिलके ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और ये CO और ये OH ये बन गया आपका, ये तो बन गया, इतना काम हो गया। तो सेकेंड स्टेप में हम यहां तक पहुंचे हैं। थर्ड वाले में अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से बात को समझिएगा, जैसे ये O माइनस है और ये CO OH आपका ये है, ये H प्लस अभी बचा हुआ था, तो ये H प्लस जो है और ये वाला ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ये बन गया, ये COOH इसको लिख सकते हैं, और इसी को बोला जाता है सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं?
सैलिसिलिक एसिड इसी को बोला जाता है। मतलब यहां पर कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, और हुआ भी नहीं होगा। आप देख लीजिए एक बार, अगर कहीं पर डाउट है तो आप लोग जरा इसको मतलब डिस्कस कर लीजिए, कोई डाउट नहीं है तो इसको कॉपी करिए आप लोग। मतलब हाँ, एक चीज और है, यहां पर आप लोग एक जो लिखना है उसको पहले लिख लीजिए। आप ये कहेंगे कि जब फिनॉल, मतलब आपको लिखना है तो आप लिखिए फिनॉल जब NaOH, CO2 और H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो ये सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो प्रोडक्ट बनता है वो सैलिसिलिक एसिड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, या प्रोडक्ट बनाता है। आगे की कहानी सेकेंड पॉइंट में आप ये बोलेंगे कि CO2 कार्बोकेटायन या इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट में हमारा ये होगा कि जो CO2, सॉरी यहां पर हम बोल देंगे कि इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा वही RDS होता है। क्या होता है? RDS होता है। तो ये बात हो गई, प्रोडक्ट आप लोग बना लीजिए और इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए कॉपी करिए। हाँ जी, चलिए एक ABCD टाइप का क्वेश्चन अपन लोग करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करिए, आप भी जरा इसको बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। हम आज पहले क्या करते हैं, लिख देते हैं क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए एग्जांपल की बात करते हैं, ABCD टाइप का जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है आप इसको पूरी शिद्दत से करा करिए, कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन को 10-10 बार करें। इसको हमने लिया रेड हॉट आयरन ट्यूब, हमने रेड हॉट आयरन ट्यूब लिया, प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा यह आपको पता है। इसके बाद हमने क्या किया कि यहां पर लिया है Cl2AlCl3, आपने ये लिया, ये हमारा बी प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद आपने क्या किया, NaOH लिया, फिर टेम्परेचर हाई कर दिया, एसिडिक मीडियम ले लिया, तो ये बन गया C। अब आगे आगे की हम लोग बात करते हैं, आपने यहां पर क्या किया है कि NaOH लिया है, CO2 लिया है और H+ लिया है। अब आपको देखना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, मतलब D क्या बनेगा। जरा हम लोग ना अभी बनाते चलेंगे, ठीक है, पहले आप एक बार देखिए कि आपको कहां तक आ रहा है। इसके बाद हमने जिंक डस्ट यूज कर लिया, जब जिंक डस्ट यूज करेंगे तो मान लीजिए ई प्रोडक्ट बना है, अगर हम एफ की बात करें तो इसके बाद यूज किया गया है NH3, यानी कि बेस यूज किया गया है और ये एफ बन गया। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर टेम्परेचर हाई कर दिया, ठीक है, और टेम्परेचर हाई कर दिया है, हाँ ये कर दिया, तो ई एफ, एफ के बाद जी बन गया। इसके बाद हमने क्या किया, यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये इसके साथ रिएक्शन करा दिया तो H ये प्रोडक्ट बना है। तो इसको बोला जाता है ABCD टाइप का रिएक्शन, ठीक है, ये बोला जाता है। अब अगर आप लोग कर सकते हैं तो आप एक बार ट्राई करिए, बट यहां पे हम आपको बताएं, आप यहां से A बना सकते हैं, B बना सकते हैं। अभी आपने देखा था अगर B बन गया होगा, अगर ये फिनॉल बनता है तो आप लोग आगे ये बना लेंगे कि D क्या है। तो जब D बन जाएगा तो जिंक डस्ट यूज कर लेंगे, जिंक डस्ट अगर यूज कर लिया आपने तो आप NH3 यूज करके आप F बना सकते हैं। ये अभी हम बताए थे, यहां से यहां तक देखिए, अगर आपने ये बना लिया है तो ये भी बना लेंगे, ये भी बना लेंगे। अब यहां से जब आपने हीट प्रोवाइड किया तो ये बना लेंगे, फिर ये बना लेंगे। मतलब अगर हम आपको बताएं इसमें कोई चीज नया है ना, तो केवल यही है, ठीक है। अब जरा हम बनाते हैं, आप लोगों ने बना लिया, कहां तक बनाया है, यहां तक, तो आगे क्यों नहीं बनेगा, हो गया, अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है। बाकी लोग देखें, बाकी लोग इसको देखें कि क्या चीज चल रहा है। देखिए अगर हम बात करें ए वाले प्रोडक्ट की, आपको पता है कि अगर एल्काइन है, ये क्या है, एल्काइन, अगर एल्काइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से गुजारते हैं तो आप सभी को पता है कि प्रोडक्ट क्या बन जाएगी,
बेंजीन, तो ये तो बेंजीन बन गई है, ठीक है। इसका अगर Cl2AlCl3 आपने यूज किया है तो ये रिएक्शन का नाम क्या है, इसको बोलते हैं हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन रिएक्शन बोला जाता है, हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। तो अगर हैलोजिनेशन की बात करें तो यहां पर ध्यान से देखिए ये क्या बनाएगा, तो यहां पर बनेगा Cl+, ये बनेगा। तो अगर Cl+ बन गया तो आप देखेंगे कि प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरीके से ये Cl इसके ऊपर जुड़ जाएगा, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, Cl तो बन गया, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर ये NaOH और आपने हीट ले लिया है और H+ है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो आप इसको देख चुके थे पहले ही कि ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि क्लोरोबेंजीन जो है वो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि सर अपने को ये कैसे पता चलेगा, तो भैया हम आपको बोले थे कि आपको कम से कम इसको 10-10 बार करना है तब जाके ये याद होगा, आगे ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, आपके एनसीईआरटी बुक में जहां से भी क्वेश्चन आएगा ऑर्गेनिक के आपसे हो जाएगा, बट ध्यान क्या रखना है कि पहले ये रहेगा तो इसमें कैसे कन्वर्ट होगा जब ये सामने दिखेगा, तो अभी ध्यान देते हुए चलना है। आगे देखिए हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी। अब डी की बात कर रहे हैं तो आपको तीर के ऊपर दिख रहा है NaOH, आपको CO2 दिख रहा है, H+ दिख रहा है, यानी कि इसका नाम क्या होगा, तो इसके नाम की बात करें तो ये कोलबे स्मिथ रिएक्शन है, ठीक है। और कोलबे स्मिथ रिएक्शन में जो आपका फिनॉल था वो कन्वर्ट हो जाता था, अभी आपने देखा था सैलिसिलिक एसिड में, किसमें कन्वर्ट होता था, सैलिसिलिक एसिड में इसमें कन्वर्ट होता था। तो ये तो डी हमको मिल गया। अब ई की बात करते हैं हम, आपने देखा था कि अगर हम जिंक डस्ट यूज करते हैं तो ये किसके ऑक्सीजन को उखाड़ देता है, तो ये फिनॉल के ऑक्सीजन को उखाड़ देगा, है ना। तो जब फिनॉल के ऑक्सीजन को उखाड़ेगा यहां पर तो देखोगे कि प्रोडक्ट में अब आपके पास ये बचा है, ठीक है, ये बच गया। अब इसके बाद हम लोग ये ई की बात कर रहे हैं, ठीक है, ई प्रोडक्ट बन गया, यहां तक आ गए। इसके बाद अगर NH3 की बात करें तो NH3 ये बेस की तरह, यानी लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा, और अगर हम इसकी बात करें तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, इसके सिर पे माइनस, इसके सिर पे प्लस, ये तुरंत क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को प्रोवाइड करेगा, जब इस हाइड्रोजन को प्रोवाइड करेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये तो H है, यहां पर बनेगा C(OO)-NH4+, आपका ये बनेगा, ये हम पीछे भी देखे थे, ये NH4 है, ये 4 है। इसके बाद हम आपको बताए थे कि जब आप देखेंगे यहां पर कि जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे, यहां पर क्या किया गया है, ये आपका F बन गया, ठीक है, हीट जब प्रोवाइड करेंगे तो यहां से H2 यानी कि वाटर रिलीज होगा, तो H2O रिलीज होगा, तो आप देखेंगे यहां पर कि ये जो है एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, एमाइड में, यानी कि CO और ये NH2, ये पीछे जो आप वीडियो में सब कुछ देख चुके हैं कैसे हुआ था, बट इसको ध्यान रखना है, ये एमाइड में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए इसके बाद किया क्या गया है, इसके बाद हमने यूज किया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये तुरंत इस CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट बन जाएगा ये CH2NH2 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं एमाइड और इसको बोला जाता है एमीन। अब देखिए बात को ध्यान रखिए, जब ABCD टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये तुरंत आप लोग कर पाएंगे, तुरंत नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाएगा। आप खुद देखिए अभी अपने लिए क्या था, केवल नया आपका यही वाला हिस्सा था, बाकी सब आप कर चुके थे। क्या आप एल्काइन से, एल्काइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से गुजार के बेंजीन में कन्वर्ट नहीं कर रहे थे, कर रहे थे, Cl2AlCl3 का रिएक्शन करवा नहीं रहे थे बेंजीन के साथ, तो ये कौन सी रिएक्शन थी, हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, तो क्या ये क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट नहीं होगा,
और क्लोरोबेंजीन बन गया था, तो क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड हीट और एसिडिक मीडियम जब यूज कर रहे थे तो ये फिनॉल में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, हो रहा था। इसके बाद आपने देखा कि ये रिएजेंट आपको सामने दिख रहा है, फिनॉल दिखा सामने तीर के ऊपर, ये रिएजेंट दिखा, मतलब रिएक्शन का नाम क्या होने वाला है, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। देखिए याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन में क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। अब देखिए जब सैलिसिलिक एसिड को जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जिंक क्या करता है, इसके ऑक्सीजन को टच नहीं करता है, ये फिनॉल वाले ऑक्सीजन को उखाड़ लेता है। तो जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO, ZnO के फॉर्म में यहां से रिलीज हो जाता है। इसके बाद ये आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप बचा है, ठीक है। अगर हम NH3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या ये सॉल्ट में कन्वर्ट नहीं होता था, होता था ना, जब सॉल्ट में कन्वर्ट होगा हीट प्रोवाइड करेंगे तो यहां से वॉटर रिलीज हो जाएगा। अब वॉटर रिलीज हो गया, उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी इसका रिडक्शन जब हम करवाए हैं तो रिडक्शन करवाने के बाद एमाइड जो है वो एमीन में कन्वर्ट हो गया है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपने देखा कि टफ तो बिल्कुल है नहीं, चाहे आप आसानी से चीजों को सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसको 2-4-10 बार आप जरूर प्रैक्टिस करें, 2 बार नहीं 10 बार, है ना, 10 बार प्रैक्टिस करेंगे और इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और आप सभी लोगों को धन्यवाद।